फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई एंड लाइफस्टाइल जोन। आज की मिनी रेसिपी का नाम है पालक पनीर। आज मैं आप लोगों को पालक पनीर की रेसिपी बनाना बताऊंगी और ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है मैंने वो भी बहुत आसानी से हमको मिल जाते हैं। इसलिए आप लोग ये मेरी रेसिपी पूरी लास्ट तक देखिएगा और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पालक पनीर कैसे बनाते हैं और पालक पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और बनाते हैं पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पालक ली है और पालक की मैंने हरी हरी पत्तियां बीन ली हैं और इसको मैंने 4-5 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। 300 ग्राम पनीर लिया है और इसको मैंने इतने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। एक लाल साबुत मिर्च ली है, एक चम्मच जीरा लिया है और 1/4 चम्मच हींग ली है। 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 बड़ा प्याज लिया है और 1 इंच अदरक ली है। प्याज को मैंने छील कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अदरक को भी छील कर छोटे टुकड़ों में काट कर उसको पीस लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी पीस लिया है और मैंने इसमें डालने के लिए 8-10 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और आप चाहे तो लहसुन और मिर्च को प्याज और अदरक के साथ भी पीस सकते हैं। 1 बाउल बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, यह लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, ऑयल लिया है पनीर को फ्राई करने के लिए और मैंने ये सरसों का तेल लिया है पालक को फ्राई करने के लिए और पालक पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं और ये पानी अपनी जरूरत के अनुसार लेंगे। तो चलिए पालक पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले पालक को पीस लेते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए हमने ये जो पालक ली है इसको हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये हम सारी पालक इस तरह से मिक्सी के जार में डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के और इसको पीस लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पालक को पीस लिया है। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने पैन में देखिए ऑयल डाल दिया है और अब इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो पनीर फ्राई करने के लिए ये गरम हो जाए थोड़ा अच्छे से ऑयल, तब इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। मैंने पनीर को इतने छोटे पीसेस में काट लिया इस तरह से। आप चाहे तो अपने हिसाब से पनीर के पीसेस काट सकते हैं और चाहे तो आप कच्चे पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको फ्राई करने के लिए हम ऑयल में इसको डाल देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम एक एक पनीर के पीसेस डाल देंगे और इसको फ्राई कर देंगे। पनीर को फ्राई किया था उसी पैन में हम पालक को भी फ्राई कर लेंगे और पालक फ्राई करने के लिए मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, और इसको गरम हो जाने देंगे। देखिए ऑयल गरम हो गया, अब इसमें हम ये खड़ा मिर्चा डाल देंगे। देखिए इसको हम भून लेंगे और अब इसमें हम ये जीरा डाल देंगे, जीरा को भी भून लेंगे और ये हींग भी डाल देंगे। देखिए हमने जीरा और हींग इसमें डालकर भून लिया है। अब इसमें हम ये पालक और इस पालक को भी हम भून लेंगे अच्छे से। पालक को पहले भून लेंगे, पालक हम भून लेंगे अच्छे से।
तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बनाने में। पालक को हम तब तक भून लेंगे जब तक कि इसमें पालक जो है वो तेल ना छोड़ दे। देखिए हमने पालक को धीमी आंच पे अच्छे से भून लिया है और अब इसमें तेल भी छोड़ दिया है। इसको हम इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पालक को भूनकर इस कटोरी में निकाल लिया है और अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल के ऑयल को गर्म करेंगे। पालक पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए हमने इंडक्शन पर कढ़ाई को चढ़ा लिया है और कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। देखिए यहाँ मैंने सरसों के तेल का यूज किया है, आप लोग चाहें तो रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये तेज पत्ता डाल देंगे। अब इसमें हम ये मिर्चा और लहसुन जो हमने बारीक काटा है इसमें डाल देंगे। देखिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे पहले। देखिए लहसुन और मिर्चा लाल हो गया, अब इसमें हम ये प्याज जो हमने पीसा है इसमें डाल देंगे। इसको भी हम धीमी आंच पे भून लेंगे। आंच को बहुत तेज नहीं करना है हमें। देखिए हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखिए प्याज भून गया है, अब इसमें हम ये पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसको भी हम भून लेंगे। पहले हम टमाटर को पका लेंगे थोड़ा। देखिए टमाटर हमारा भून गया है, अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, चौथाई चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, ये ऑप्शनल भी है। और हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब इसको हम भून लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जलने ना पाए। और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाले को हमने धीमी आंच पर भून लिया है और ये मसाले ने देखिए तेल भी अब छोड़ दिया है। अब इसमें हम ये भुनी हुई पालक डाल देंगे। देखिए हम इस मसाले में पालक को ऐसे मिला देंगे और इसको भून लेंगे थोड़ी देर। वैसे तो हम पालक भून चुके हैं और मसाले में भी थोड़ी देर इसको भून लेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। देखिए हमको पालक को ज्यादा नहीं भूनना है, मैं इसको 2 मिनट भून लिया पालक। अब इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे या जितनी गाढ़ी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी आप इसमें डाल दीजिएगा। अब देखिए हम इसको उबाल आने तक पहले अच्छे से पकाएंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें हम पहले गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला बाद में डालने से उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। इसको भी हम मिला देंगे। और अब इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। इसको हम 2 मिनट और पका लेंगे और पालक पनीर बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम ऊपर से धनिया डाल देंगे और थोड़ी धनिया हम गार्निश करने के लिए बचा के रख लेंगे। देखिए मैं थोड़ी सी धनिया डाल दी इसमें, धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। देखिए पालक पनीर बनके तैयार हो गया, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। देखिए पालक पनीर बनके तैयार हो गया है, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। देखिए पालक पनीर बनके तैयार हो गया है, इसको आप रोटी पराठे पूड़ी या चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप
आप लोगों ने देखा आज हमने पालक पनीर कितने आसान तरीके से बनाया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है। आप भी इसको अपने घर पर जरूर बनाइएगा। अगर हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि मेरे नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।